हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिंग वेल्थ। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री से एक बहुत ही बेहतरीन स्टॉक। स्टॉक को ज्यादा समय नहीं हुआ है लिस्ट हुए, तो उसके बारे में पूरा डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे कि कंपनी किन प्रोडक्ट्स में डील करती है, क्या प्रोडक्ट्स बनाती है एंड कंपनी आगे क्या सोच रही है, क्या आगे का कंपनी का क्या फ्यूचर प्लान है और फ्यूचर प्लान को देखते हुए कंपनी का शेयर आगे कहाँ तक जा सकता है। तो पूरा डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आपको डिटेल्ड एनालिसिस वाली वीडियो या जो भी लेटेस्ट वीडियो रहा करेगी मेरे चैनल से रिलेटेड आपको आसानी से मिल जाया करेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कंपनी का नाम है न्यूजेन सॉफ्टवेयर लिमिटेड। न्यूजेन सॉफ्टवेयर लिमिटेड इज अ लीडिंग प्रोवाइडर ऑफ लो कोड डिजिटल ऑटोमेशन प्लेटफॉर्म ग्लोबली सक्सेसफुल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इंश्योरेंस, गवर्नमेंट एंड शेयर्ड सर्विस ऑर्गेनाइजेशन रिलाई ऑन न्यूजेन इंडस्ट्री रिकॉग्नाइज्ड प्रोडक्ट्स एंड एप्लीकेशंस। तो ये इंश्योरेंस सेक्टर, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, गवर्नमेंट के लिए तो कुछ ना कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करते हैं जिससे कि वो अपने आराम से इजी वे में काम कर सकें। वो सारे प्रोडक्ट्स ये इनेबल करते हैं, उन सारे प्रोडक्ट्स को ये मैन्युफैक्चर करते हैं, उन सारे प्रोडक्ट्स को ये क्रिएट करते हैं। आप देख सकते हैं कौन कौन से प्लेटफॉर्म इन्होंने बना रखे हैं। कंटेंट सर्विस वाला एक प्रोडक्ट इन्होंने बना रखा है ओमनीडॉक्स के नाम से। ओमनीडॉक्स की आप देख सकते हैं ओमनीडॉक्स बना रखा है, ओमनी स्कैन, ओमनी एक्सट्रैक्ट, कंटेंट मैनेजमेंट, रिकॉर्ड मैनेजमेंट, एंटरप्राइज सर्च, इंटेलिजेंट डॉक्यूमेंट क्लासिफायर, कंटेंट री इंटीग्रेशन, स्ट्रीमलाइन कंटेंट एंड एंश्योर एनी टाइम एनी वेयर एक्सेस टू रिलीवेंट इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंट्स एंड प्रोसेस ऑटोमेशन का एक इन्होंने बना रखा है प्रोडक्ट जो ड्राइव एंड टू एंड प्रोसेस ऑटोमेशन कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट एंड इनोवेशन एंड साथ के साथ कस्टमर एंगेजमेंट का एक सॉफ्टवेयर इन्होंने बना रखा है एनहेंस कस्टमर एक्सपीरियंस विद पर्सनलाइज्ड एंड कंसिस्टेंट कम्युनिकेशंस अक्रॉस चैनल डिजिटल ऑटोमेशन प्लेटफॉर्म। ये सारे इन्होंने बना रखे हैं। इनकी प्लेटफॉर्म की कैपेबिलिटीज आप देखेंगे, लो कोड एप्लीकेशन डेवलपमेंट, रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन, एंटरप्राइज मोबिलिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ड्रिवन एनालिटिक्स लगी हुई है इनके सॉफ्टवेयर्स में, क्लाउड डिप्लॉयमेंट, इंटीग्रेशन इकोसिस्टम एंड डेवलप ऑप्स सॉल्यूशन। कौन सी इंडस्ट्रीज को सॉल्यूशन पहुंचा रहे हैं आप देखेंगे, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इंश्योरेंस फर्म्स, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस। COVID-19 के रिस्पॉन्स को भी लेके ये कुछ उनको भी सर्विसेज अपनी दे रहे हैं एंड शेयर्ड सर्विस सेंटर्स। वाई एंटरप्राइज अगर आप देखेंगे एंड वाई बिजनेस अगर आप देखेंगे, इम्प्रूव कस्टमर एक्सपीरियंस, मेंटेन बिजनेस कंटिन्यूटी, इनेबल रिमोट वर्किंग, एंश्योर गवर्नमेंट्स एंड कंप्लायंसेस, ऑप्टिमाइज कॉस्ट, एनहांस ऑपरेशनल एफिशिएंसी। वाई एंटरप्राइज यूज केस एंटरप्राइज सर्विस मैनेजमेंट, कस्टमर सर्विस मैनेजमेंट, एम्प्लॉय सर्विस मैनेजमेंट, सेल प्रोसेस ऑटोमेशन, कॉन्ट्रैक्ट लाइफ साइकिल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्लोज प्रोसेस, एक्टिव स्क्रिप्ट ड्रिवन ऑटोमेशंस। कस्टमर्स इनके बहुत ही बेहतरीन कस्टमर्स हैं इनके, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। पार्टनर प्रोग्राम भी है कंपनी के पास में। तो फ्रेंड्स थोड़ा सा और डिटेल एनालिसिस करते हैं। री इन्वेंट बिजनेस विद न्यूजेन ट्रांसफॉर्मेटिव प्लेटफॉर्म, डिजिटाइज प्रोसेस एंड अडेप्ट कम्युनिकेट। ओमनीडॉक्स जो है वो डिजिटाइज करता है, डिलीवर कंटेक्चुअल कंटेंट फॉर स्मार्टर डिसीजन मेकिंग एंड इम्प्रूव्ड कोलेबरेशन। ओमनीफ्लो जो है प्रोसेस करता है एंड अडेप्ट करता है, क्रिएट स्मार्टर प्रोसेस, एम्पावर नॉलेज वर्कर एंड बिल्ड रेस्पॉन्सिव बिजनेस। कम्युनिकेट क्रिएट पर्सनलाइज एंड deliver interactive communication to enhance customer experience. So low-code software products hain ke company providing enterprise-wide mission-critical solution helping organizations drive digital transformation and competitive differentiation.
अपने जो भी एंटरप्राइज है आपका, उसको आप पूरा डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इस कंपनी के थ्रू करा सकते हैं। न्यू जेन सॉफ्टवेयर लिमिटेड, बेहतरीन कंपनी, अच्छा परफॉर्म करती हुई, 44 पेटेंट्स फाइल कर रखे हैं, स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्री रिकॉग्निशन है, 69 कंट्रीज में कंपनी की प्रेजेंस है एंड 560 एक्टिव कस्टमर्स हैं कंपनी के पास। न्यू जेन ट्रांसफॉर्मेटिव प्लेटफॉर्म आप देख सकते हैं, बैंकिंग, गवर्नमेंट, इंश्योरेंस, बीपीओज, हेल्थ केयर, इन सारे सेक्टर्स में कंपनी अपने सॉफ्टवेयर्स प्रोवाइड कराती है। सोशल वेब पोर्टल, मोबाइल, इन पर्सन, ईमेल, मैसेज, स्कैन, सबके लिए, एंड ये सारी चीज़ें जो हैं इनके सॉफ्टवेयर्स में इनेबल्ड हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एनालिटिक्स, एपीआई, क्लाउड ऑन प्रमाइसिस, आरपीए, ब्लॉकचेन, आईएमएसएसओ, ये सारा का सारा पूरा इनका इकोसिस्टम है, जिस तरीके से ये एंटरप्राइज को कनेक्ट करते हैं, कनेक्टेड एंटरप्राइजेस। रीसाइलेंट बिजनेस मॉड्यूल, रीसाइलेंट बिजनेस मॉड्यूल है कंपनी का, लार्ज एन्युटी रेवेन्यू स्ट्रीम्स, मिशन क्रिटिकल सॉल्यूशंस अक्रॉस की वर्टिकल्स, डाइवर्सिफिकेशन अक्रॉस ज्योग्राफीज, फोकस ऑन ड्रिविंग इनोवेशन थ्रू R&D, 28 ईयर्स ऑफ प्रोडक्ट्स DNA, 44 पेटेंट फाइलिंग जिनमें से 15 ग्रांटेड हैं इनके, स्किल R&D टीम है, डीप प्रोडक्ट डोमेन एक्सपर्टीज के साथ में, यूनिफाइड प्लेटफॉर्म विद मॉड्यूलर डिप्लॉयमेंट, लो कोड प्लेटफॉर्म बनाते हैं जिसमें कोडिंग बहुत कम होती है, लो कोड प्लेटफॉर्म बनाते हैं। 5 ईयर का आप परफॉर्मेंस इनकी देखेंगे, बेहतरीन परफॉर्मेंस कंपनी ने जनरेट की है, अच्छी खासी परफॉर्मेंस कंपनी ने जनरेट करते हुए दिखाई है। फाइनेंशियल ट्रेंड्स अच्छे हैं, कस्टमर विंस, मेजर डील इंक्लूड 4 न्यू लोगो इन द अमेरिकाज रीजन इन द बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस डोमेन्स, स्ट्रेटेजिक विन फॉर डिलीवरी एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ न्यू जेन ECM एंड BPM सॉल्यूशन फॉर अ यूनिट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिड साइज प्रोडक्ट फॉर ऑल फुल सर्विस रिटेल एंड SME, 2 लार्ज ट्रांसफॉर्मेशनल डील फ्रॉम एग्जिस्टिंग कस्टमर्स, लार्ज ट्रांसफॉर्मेशनल डील्स अभी इन्हें मिली हैं, अ लीडिंग प्राइवेट सेक्टर बैंक इन इंडिया एंड अ लीडिंग स्मॉल फाइनेंस बैंक के थ्रू। आप देख सकते हैं स्टेबिलिटी, बेहतरीन स्टेबिलिटी है कंपनी की, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्ट्रेंथ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट बहुत ही स्ट्रॉन्ग टीम की मैनेजमेंट है इनकी, एडिशनल ऑफ 3 सीनियर लीडर हैं ये, दिवाकर निगम, TS वरदराजन, प्रियदर्शिनी निगम, अच्छे खासे लीडर्स हैं। न्यू जेन पोजिशन एज अ विजनरी इन गार्टनर मैजिक क्वाड्रेंट फॉर कंटेंट सर्विस प्लेटफॉर्म भी प्रोवाइड करते हैं। बिजनेस हाइलाइट्स एक बार देख लेते हैं, कंटिन्यूस फोकस ऑन R&D, ब्रॉड बेस्ड ग्रोथ अक्रॉस की वर्टिकल्स, ब्रॉड बेस्ड ग्रोथ है कंपनी की, की अवार्ड्स भी मिले हैं कंपनी को 2020 में, बेस्ट सेल्फ सर्विस बैंकिंग, बेस्ट लैंडिंग इम्प्लीमेंटेशन एंड बेस्ट डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इम्प्लीमेंटेशन। जिस तरीके से सेक्टर्स जो है कोरोना को लेके चिंतित हैं और आगे ऑफलाइन की बजाय अपने जो भी कंपनी के जो भी प्रोडक्ट्स हैं, अपनी पूरी कंपनी को जिस तरीके से डिजिटलाइजेशन करने में लगे हुए हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे लेके आने लगे हैं, उस तरीके से उन कंपनियों के लिए काफी फायदा है न्यू जेन के साथ में जुड़ के। वो कंपनीज अपना ऑनलाइन मॉडिफिकेशन कर रही हैं, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन कर रही हैं, तो ऐसी कंपनी, न्यू जेन जैसी कंपनीज के लिए काफी फायदा आगे आने वाले टाइम में मिलेगा देखने को, बहुत ही अच्छा खासा। न्यू जेन का थोड़ा टेक्निकल एनालिसिस करेंगे इनका, आप देख सकते हैं एवरी MACD, RSI, Bollinger Bands, एवरी इंडिकेटर पे आपको वीकली एंड मंथली लेवल पे आपको जो है शेयर बुलिश रेंज में नजर आएगा, तो शेयर की बुलिशनेस आप यहां से पता लगा सकते हैं। एंड आप देखें FD से ज्यादा शेयर ने रिटर्न कमा के दिया है, सेक्टर PE से शेयर अभी भी नीचे चल रहा है, 100% एनालिस्ट शेयर को बाई करने के लिए बोल रहे हैं, 64% डिविडेंड यील्ड है, 0.64% की अच्छी खासी डिविडेंड यील्ड है। एक बार आप देखेंगे 10 की फेस वैल्यू है शेयर की, 79 की बुक वैल्यू है, 17 की EPS कंपनी जनरेट कर रही है। आप देख सकते हैं शेयर ने आज ही अपना हाई लगाया है, आज ही काफी टाइम के कंसोलिडेशन के फेस से निकलने के बाद शेयर ने अपना आज ही हाई लगाया है, तो कंपनी का देख सकते हैं कितनी अच्छी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ आ रही है कंपनी की, अच्छी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ, ये अभी लाइफ टाइम हाई लगाने से बस ज्यादा दूर है नहीं है,
372 रुपए का इनका लाइफ टाइम का हाई है। बहुत जल्दी ये लाइफ टाइम हाई भी लगाते हुए दिखेगी ये कंपनी। बेहतरीन ग्रोथ कर रही है कंपनी टेक्निकली, एंड आप देख सकते हैं फंडामेंटली भी अच्छा ग्रोथ, और वैसे भी आजकल आईटी सेक्टर तो अच्छा ग्रोथ कर ही रहा है। रेगुलर डिविडेंड पेइंग कंपनी है। नेट प्रॉफिट अगर आप देखेंगे, कंपनी नो प्रॉफिट अच्छा खासा जनरेट करती हुई दिख रही है, एंड सस्टेनेबल नेट प्रॉफिट एंड ईपीएस जनरेट कर रही है सस्टेनेबल, क्योंकि जिन प्रोडक्ट्स को ये बना रहे हैं, जिन सॉफ्टवेयर्स को ये बना रहे हैं, उनकी मार्केट में डिमांड है, तो उसको लेके ये अच्छा खासा काम करते हुए दिख रहे हैं। 14 की आरओई शेयर जनरेट करता हुआ दिख रहा है, जो कि बेहतर है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फ्रेंड्स, शेयर को आप लॉन्ग टर्म के लिए ले सकते हैं, लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा प्रॉफिट शेयर कमा के देगा। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसे लगी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, जिससे कि जो भी डिटेल्ड वीडियो रहा करेगी मेरे चैनल से रिलेटेड, आपको आसानी से एक्सेस हो जाया करेगी। थैंक यू।